हिप्पो, आपने ये नाम तो सुना ही होगा। यह बहुत ही फेमस इंडियन हेल्दी स्नैक था, जो ना ही पोटैटो चिप्स थे और ना ही बिस्किट्स थे। हिप्पो को पार्ले एग्रो की तरफ से 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था। हिप्पो ने मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर लॉन्च किए थे, जैसे पिज्जा, मंचूरियन, टोमेटो एंड चीज एंड मैनी मोर। हिप्पो की पैकेजिंग और टेस्ट बाकी ब्रांड्स के मुकाबले बहुत बढ़िया था, और इनका ट्विटर अकाउंट सबसे ज्यादा एक्टिव रहता था विद 4883 ट्वीट्स। इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी हिप्पो को मार्केट से जाना क्यों पड़ा? तो आइए जानते हैं कुछ रीजंस। फर्स्ट प्रॉब्लम इज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। कंपटीशन की वजह से हिप्पो को डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, यह डिमांड और सप्लाई को मीट नहीं कर पाई। सेकेंड प्रॉब्लम इज मार्जिन। हिप्पो के रिटेल मार्जिन बहुत ही कम थे। उस टाइम इंडिया में हेल्दी स्नैक्स का ट्रेंड आया ही था, तो बहुत सारे और ब्रांड्स भी अपने प्रोडक्ट बनाने में बिजी थे। हिप्पो अपनी प्रॉब्लम का क्रैक नहीं कर पाया था, इसलिए 2014 में उसको मार्केट से जाना पड़ा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।